हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स अही चैप्टर 5 जिहड़ा कर रहे हैं कैपेसिटेंस का। नैक्सट टॉपिक साढ़े को अज हैगा डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डायलैक्ट्रिक मतलब कि डायलैक्ट्रिक स्लैब की जी स्ट्रेंथ जी है वह कितनी होती है। ठीक है, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आप किस तरह डिफाइन करांगे। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डायलैक्ट्रिक मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाइड टू द डायलैक्ट्रिक विदाउट इट्स इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बगैर, ठीक, इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बगैर जिन्ना आप जो इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई करते हैं डायलैक्ट्रिक स्लैब के उत्ते वो स्ट्रेंथ इलैक्ट्रिक फील्ड आप कहने डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जी एक की हैगी अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। ठीक है, जी अपलाई की जाती है कि डायलैक्ट्रिक स्लैब के उत्ते कि चेर तक विदाउट इट्स इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी कि यदि ब्रेकडाउन तो पहला। ठीक है, इनू आप जरा हूँ किस तरह अंडरस्टैंड करा। सपोज कर लो कि अपने को एक डायलैक्ट्रिक स्लैब आ, ठीक है, इनू आप प्लेट्स के रखते हैं, प्लेट्स नू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर दें प्लेट्स नू। ठीक है, इधरले पासे नैगेटिव अपने को पोटेंशियल आ गया, इधरले पासे पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। सो इस डायलैक्ट्रिक स्लैब नू जदों आपां वी पोटेंशियल डिफरेंस दे विच रखते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट हुंदा विद इन द प्लेट्स ऑफ द, ठीक है, इन्हां प्लेट्स के विचकार कितना इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुंदा, ई इलैक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ज्यों ज्यों आपां पोटेंशियल डिफरेंस वधावांगे इलैक्ट्रिक फील्ड भी वह भी की होगा इनक्रीज़ होगा। ठीक है, इनक्रीज होने के नाल की हुंदा आ डायलैक्ट्रिक स्लैब के जिहड़े मोलीक्यूल्स हुंदे आ वो की होणगे, पॉजिटिव प्लेट वाले पासे जिहड़ा नैगेटिव चार्जिज आ जाएंगे और इस तरह जिहड़ा नैगेटिव चार्जिज जिहड़े सारे इधरले पासे एक साइड के उत्ते डायलैक्ट्रिक स्लैब के आ जाएंगे, उस तरह दूसरी साइड के मोलीक्यूल्स के नैगेटिव प्लेट वाले पासे जिहड़ा वो पॉजिटिव चार्जिज वो क्रिएट हो जाएंगे। ओके, जिन्हों आप की कहने हाँ पोलराइजेशन ऑफ द डायलैक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, सो ये पोलराइज हो जाएंगे, इन्हों के नैगेटिव तो पॉजिटिव चार्जिज के जी सैपरेशन आजगी, सैपरेशन दे करके ये अपने को की बन जाएंगे पोलराइज मोलीक्यूल्स जोड़े की बन जाएंगे। ठीक है, सो जदों जदों आप पोटेंशियल डिफरेंस होर वधाई जावे इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होर वधदी जाऊगी, ये होर जिहड़े आ अपने को मोलीक्यूल्स आ उन्हां दी स्ट्रैचिंग जिहड़ी आ होर हुंदी जाऊगी और नैगेटिव चार्ज दे एक इहो जिहा पॉइंट आऊगा इन्नी आपां स्ट्रेंथ पोटेंशियल डिफरेंस दी वधा देवांगे कि उस पॉइंट दे उत्ते नैगेटिव चार्जिज जिहड़े वो मोलीक्यूल्स दे नालों सैपरेट हो जाणगे, जिन्हों आपां की कहने आ इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सो सैपरेशन ऑफ द नैगेटिव चार्जिज फ्रॉम द मोलीक्यूल्स ऑफ द डायलैक्ट्रिक, सो दैट इज़ कॉल्ड इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, कि नैगेटिव चार्जिज पॉजिटिव चार्जिज के नालों जिहड़ा सैपरेट हो जाते हैं। सो वो सैपरेशन तो जस्ट पहला जिन्ना आपां टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उस इलैक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ नूं आपां की कहने आ डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझ लग गई स्टूडेंट्स? सो एक बार डेफिनेशन जिहड़ा उन्हूं दोबारा सुनो, डेफिनेशन की हैगी आ डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द डायलैक्ट्रिक मे बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड और इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल आपां और की कह सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड किहदे बराबर हुंदा, इलैक्ट्रिक फील्ड इज आलसो इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड और द पोटेंशियल ग्रेडियंट अप्लाइड टू द डायलैक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, विदाउट इट्स इलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इनू आप कहने डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
सो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये यूनिट की होंगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की होंगे देखो है तो मैक्सिमम वैल्यू है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कि बराबर है डीवी ओवर डी आर दे, डीवी यानी कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस, यदा मतलब वो यूनिट की होंगे वोल्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जरा मीटर हो गया, यदा मतलब यूनिट की आ गए वोल्ट पर मीटर ये यूनिट आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऐसा यूनिट की आ गए वोल्ट पर मीटर, ओके। सो जे एक होर अपने को यूनिट होंगे ये जे वरते जाते अपने को यूनिट आम किलो वोल्ट पर एम एम, ओके स्टूडेंट्स, ये अपने को यूनिट होंगे किलो वोल्ट पर एम एम, इन्हों आप कहें प्रैक्टिकल यूनिट, इन्हों की कहें प्रैक्टिकल यूनिट जेडे वरते जाते आम, ठीक है ओके गल क्लीयर होगी। सो ये अपने को प्रैक्टिकल यूनिट आ किलो वोल्ट पर एम एम, आ अपने को ऐसा यूनिट आ वोल्ट पर मीटर, ओके। सो सपोज कर लो भी अपने को जे वैक्यूम हो गए, वैक्यूम दे विच वैक्यूम का जरा अपने को डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट जरा कि हों 1.00000, ये अपने को डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट हों के दी वैल्यू, ठीक है के दी वैल्यू है। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतने कितनी होगी, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन किलो वोल्ट पर एम एम, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी जी कितनी होगी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वैक्यूम की, ठीक है क्योंकि वैक्यूम दे विच कोई मोलीक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने जी पोलराइजेशन किस तरह होगी, ठीक है सैपरेट किस तरह होंगे नैगेटिव तो पॉजिटिव चार्ज, ओके इस करके जरा की आ इनफाइनाइट आप जरा वो कह दें कि अपने को वैक्यूम के केस के, ओके। दूसरा सपोज कर लो अपने को एयर आ, ठीक है एयर के केस के अपने को तकरीबन डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की वैल्यू 1.0054 के तकरीबन जी होंगी है, तो डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो अपने को 0.8 वो होंगे, ठीक है ओके स्टूडेंट्स। ये कुछ दूरी अपने को एग्जाम्पल्स आ गई वैक्यूम के केस में तो एयर के केस के, ओके। बाकी डायलैक्ट्रिक जो पेपर रखा आप कोई माइका रखा, ठीक है कोई होर डायलैक्ट्रिक मटीरियल रखा वो हिसाब के ना जो कि डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट से वह आप डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जी वो अपने को आजगी, ठीक है टेबल के आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके। तो याद रखने की लड़ नहीं है, सिर्फ आ दो वैल्यूज जो याद रख लो बाकी ठीक है, ओके समझ लग गई स्टूडेंट्स। नैक्सट अगे अपने को इनू आप हाँ जी नैक्सट स्टूडेंट अपने को हैगा कपैसिटेंस ऑफ ए पैरल प्लेट कपैसिटर विद डायलैक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है आप प्लेट्स दे विच डायलैक्ट्रिक स्लैब रखनी है और उस दी कपैसिटेंस फाइंड आउट करनी है। सपोज कर लो भी अपने को ए प्लेट हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, सिमिलरली अपने को बी प्लेट आ ये उत्ते नैगेटिव चार्ज हुंदा तुहानू पता ही आ इनू आपां जिहड़ा अर्थ कर दिंदे आ, ठीक है इन्हां दोनों प्लेट्स दे विच सैपरेशन किन्नी हैगी आ उनू आपां डी नाल डिनोट कर दिंदे आ, ठीक है इन्हां दे विच आपां डायलैक्ट्रिक स्लैब इनसर्ट कर दिंदे आ, उसकी थिकनेस डायलैक्ट्रिक स्लैब की कितनी हैगी आ सपोज कर लो थिकनेस आ गई समॉल टी दे नाल डिनोट कर देने, ठीक है स्टूडेंट्स समॉल टी दे नाल इनू थिकनेस नू डिनोट कर देने, ओके। हुण इलैक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स वो कितना हैगा आ ई नॉट, प्लेट्स दे विच तां जदों आपां कोई डायलैक्ट्रिक स्लैब इनसर्ट नहीं कीती विच उदों इलैक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स दे विच कितना हैगा ई नॉट आपां
इलैक्ट्रिक फील्ड ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कपैसिटेंस आप फाइंड आउट पहला भी कर चुके हैं, पर उदों आप की रख्या ही विच कुछ नहीं सी रख्या, वैक्यूम सी बिल्कुल, कोई डायलैक्ट्रिक स्लैब विच इनसर्ट नहीं की। उदों अपने को कपैसिटेंस किन्नी आप फाइंड आउट की ही, कपैसिटेंस का फार्मूला सी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी दे बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ए जिहड़ा की अपने को एरिया जिहड़ा की प्लेट्स का, डी जिहड़ा उस तरह ही अपने को सैपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हैगी। ठीक है, सो कपैसिटेंस जिहड़ी डायमेंशनस के उत्ते डिपेंड करती सी ये आप ऑलरेडी पिछे पढ़ चुके हैं। हुण आप कपैसिटेंस उहदी फाइंड आउट करनी आ जदों डायलैक्ट्रिक स्लैब नूं आप प्लेट्स के विचकार रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इत्थे देखो अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आ जिहड़ियां स्पेस बचदियां विचकार डायलैक्ट्रिक स्लैब ते प्लेट्स के विचकार जिहड़ी इन्नी स्पेस बचती आ ये स्पेस किन्नी होगी, दैट इज इक्वल टू डी माइनस टी। ठीक है, सो डी दे विचों टी आप माइनस कर दिए, बाकी जिहड़ी स्पेस है उत्थे की आ वैक्यूम है जां एयर हैगी। ठीक है, सो वह जिहड़ा की आ गया डी माइनस टी स्पेस जिहड़ी वह आ गई। तो दूसरी स्पेस होर कि बची टी थिकनैस वाली, पर टी थिकनैस जिहड़ा की हैगी आ डायलैक्ट्रिक स्लैब, डायलैक्ट्रिक स्लैब की थिकनैस जी कि हैगी टी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने को डी आप जरा की आ दो हिस्सों के टोटल जी अपने को डिस्टेंस है उन्होंने दो हिस्सों के डिवाइड कर लिया, एक डिस्टेंस जिस डिस्टेंस के सिर्फ एयर हैगी बाकी का डिस्टेंस जोड़ा की वो डायलैक्ट्रिक हैगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ लग गई। हूँ इन दे उत्ते एस जिहड़ा अपने को डी माइनस टी जिहड़ा अपने को डिफरेंस आदे उत्ते पोटेंशियल डिफरेंस किन्ना अपलाई होगा, तो टी दे उत्ते जिहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस किन्ना अपलाई होगा आप जिहड़ा ए कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो वी जिहड़ा अपने को किहदे बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है, सो टी जिहड़ी आ अपने को थिकनैस। देखो जदों आप इलैक्ट्रिक फील्ड अपलाई करते हाँ डायलैक्ट्रिक स्लैब रखते हाँ तो डायलैक्ट्रिक स्लैब इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जी रिड्यूस हो जाती है, जिन्होंने आप क्या ही रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड, और एक किहदे बराबर आई है, दैट इज़ इक्वल टू किहदे बराबर, जिन्ना आप अपलाई किया इलैक्ट्रिक फील्ड माइनस इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन दे करके। ठीक है, उहदे विचों माइनस हो गया किहदे विचों, इलैक्ट्रिक फील्ड जिन्ना आप अपलाई किया, सो डैट गिवस द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो ए जिहड़ी आ ई इंटू ए किन्ने डिस्टेंस के उत्ते अपलाई हो रहा इलैक्ट्रिक फील्ड, टी डिस्टेंस के उत्ते, ई इंटू टी जिहड़ा की रीप्रजेंट करता है, डैट रीप्रजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ई इज इक्वल टू कि बराबर आप पढ़िया ही डी वी ओवर डी आर दे, सो इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इस करके आप वी ओवर डी जिहड़ा वो अज्यूम कर लिया है। ठीक है, वी पोटेंशियल डिफरेंस अपलाई हो रहा किन्ने डिस्टेंस से, डी डिस्टेंस से। हुण अपने को आ इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ा ई वो किन्ने डिस्टेंस के उत्ते हो रहा टी दे उत्ते, वो आ गया ई इंटू टी। ठीक है, ए पोटेंशियल डिफरेंस प्लस बाकी डिफरेंस किन्ना बचा आ जिहड़ा डी माइनस टी, इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड किन्ना एक्ट हो रहा आ ई नॉट इंटू जिहड़ा डिस्टेंस डी माइनस टी, ये किहड़ा इत्थे पोटेंशियल डिफरेंस आ एक्ट हो रहा ई जीरो इंटू डी माइनस टी के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किहदे बराबर होंदा ई इंटू डी दे बराबर। ठीक है, आ फार्मूला आप यूज़ किया, हुण इत्थे डिस्टेंस ही सिर्फ चेंज हो रहा है ते नाल इलैक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, सो टी डिस्टेंस है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड ई ई आ गया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया ये अक्रॉस ई टी। ठीक है, बाकी का डिस्टेंस ये अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये इस डिफरेंस के अक्रॉस कितना अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा ई नॉट इंटू डिस्टेंस कितना हो गया डी माइनस टी, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया इस डिस्टेंस के अक्रॉस ई जीरो इंटू डी माइनस टी के बराबर,
सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आप अप्लाई किया ही वो v अपने को किधर बराबर आ गया d माइनस t डिस्टेंस दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस t दे क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स इन्नी गल जी समझ लग गई। हूँ आपां नूं पता आ कि डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट डायलैक्ट्रिक स्लैब का वो कि बराबर होंगे। फर्स्ट चैप्टर के आप पढ़िया ही कि रेशो कि होंगी है फोर्स इन द वैक्यूम टू द फोर्स इन द मीडियम। ओके उस तरह ये अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम। ओके स्टूडेंट्स अगे नैक्सट अपने को ई की वैल्यू जी कि आजगी इतों ई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर के नू ई वाली जगह के उत्ते ले जाएंगे ई नॉट ओवर के ए जी वैल्यू ई की रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड आनू आप कितने सबसीट्यूट कर देंगे इतने इस एक्सप्रैशन के उपरले पोटेंशियल डिफरेंस कि आजगा ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई की जगह पर की आजगा E नॉट ओवर के इंटू नाल टी है। ओके हूँ देखो ये सारी टर्म के जड़ा दो टर्म्स बन दी ई नॉट जड़ा कॉमन हैगा ई नॉट नू आपां कॉमन रख लाँगे अंदर की आजूगा ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी आने को नाल की आ गया वी को नाल जड़ा नीचे की रह जूगा के डी माइनस टी ए नॉट बार रख लिया अंदर की रह गया टी ओवर के दे बराबर। ओके स्टूडेंट्स हूँ आप जड़ा ई नॉट की आपको वैल्यू जी पता है ई नॉट की है इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम के जो प्लेट्स के वैक्यूम होदो इलैक्ट्रिक फील्ड कि बराबर होंगे दैट इज इक्वल टू सिगमा ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सिगमा किदे बराबर आ चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए दे बराबर। सो ई नॉट की वैल्यू आप इतने फिर सबसीट्यूट कर देंगे अपने को पोटेंशियल डिफरेंस कितना आजूगा वी इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू सबसीट्यूट कर दो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए इंटू नाल डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। ठीक है स्टूडेंट्स सो ए वी की वैल्यू आप कैपैसीटेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसीट्यूट कर देंगे वो एक्सप्रैशन दे वेच कपैसीटेंस का एक्सप्रैशन होंगे क्यू डिवाइडेड बाय वी। सो वी की वैल्यू आप जो ये सबसीट्यूट करा कपैसीटेंस के एक्सप्रैशन के अपने को वी की वैल्यू हैगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी ओवर के आ क्यू दे नाल क्यू जिहड़ा कैंसल हो जूगा सी दी अपने को वैल्यू जी कि आजगी एप्सिलॉन नॉट ए उपर चल जूगा ठीक है इनवर्ट हो जूगा डिवाइडेड बाय आ डी माइनस टी टी दोनों टर्म के कॉमन है टी प्लस टी ओवर के ठीक है बार माइनस का निशान ये अंदर रह जूगा वन माइनस वन ओवर के। ओके स्टूडेंट्स वन माइनस वन ओवर के आजूगा ठीक है ओके एक कैपेसिटेंस की अपने को वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस की अपने को वैल्यू आ गई जो आप प्लेट्स के विचकार की रखिया डायलैक्ट्रिक स्लैब नू। ओके स्टूडेंट्स हूँ यदा एक स्पैशल केस ये बनता है कि जे इफ द डायलैक्ट्रिक स्लैब फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स कि जिहड़ी डायलैक्ट्रिक स्लैब आ
जो दोनों प्लेट्स दे वेच सारी दी सारी जिहड़ा गैप है वो सारा का सारा की होवे डायलैक्ट्रिक स्लैब दे नाल ही भर दिता जाए, यानी कि टी जिहड़ी थिकनैस ही अपने को डायलैक्ट्रिक स्लैब की वो कि बराबर आजगी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स के बराबर आजगी। सो टी जी अपने को किसके बराबर होजूगी डी के बराबर आप सबस्टीट्यूट कर देंगे। ठीक है, इतने नाल अपने को आया ना इफ द कंडक्ट अपने को डायलैक्ट्रिक स्लैब फिल्स द होल स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स दैन टी इज इक्वल टू डी होजूगा। तो कपैसिटेंस कितनी आजूगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी की जगह देते की आजूगा हूँ डी नाल की आजूगा वन माइनस वन ओवर के। ओके स्टूडेंट्स, हम देखो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस डी अंदर ले जाओ डी ते प्लस डी ओवर के डी नाल डी जरा कैंसल हो जूगा अपने को वैल्यू कितनी आ जूगी के इनवर्ट हो जूगा ऊपर चल जूगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ओके स्टूडेंट्स, हम कैपेसिटेंस जी डायलैक्ट्रिक दे केस विच कितनी आ गई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी की सी कैपेसिटेंस बिटवीन द अपने को की सी कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ देयर इज एयर बिटवीन द टू प्लेट्स वो की सी सी नॉट दे नाल आपां नूं असाइन किया सी। ठीक है, सो अपने को कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दी विद डायलैक्ट्रिक स्लैब कि बराबर आजूगी के टाइम्स ठीक है कैपेसिटेंस विद एयर बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, समय लग गया गल क्लीयर हो गई। इहदा मतलब डायलैक्ट्रिक स्लैब इनसर्ट करन दे नाल दो प्लेट्स दे विच कैपेसिटेंस दी वैल्यू वो की हो जाती है इनक्रीज हो जाती है। ओके, गल क्लीयर हो गई। ज्यो ज्यो आपां जिहड़ा की आ बाहरला पोटेंशियल डिफरेंस वो वधावांगे ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस ते जिहड़ा की आ उन्ना ही रहूगा पर अपने को की होगा चार्ज इनक्रीज करना वो शुरू कर दूगा जिहदे नाल एनर्जी जिहड़ी आ वो कैपेसिटेंस दी इनक्रीज होनी शुरू हो जूगी। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण समझ लग गई अपनी। सो ये अपने को एक्सप्रैशन जिहड़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वास्ते आ गया विद डायलैक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, तो एक समरी थोड़ी जी सिंपल जी गल आ दो प्लेट्स आ इन्हां विच दा डिस्टेंस डी आ टी थिकनेस की आपां डायलैक्ट्रिक स्लैब विच इनसर्ट कीती आ आपां टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस प्लेट दे अक्रॉस आपां फाइंड आउट करना पहलां। ठीक है, वो किहदे बराबर होगा देखो ई नॉट जिहड़ा अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड एस स्पेस दे अक्रॉस आ किन्नी स्पेस है डी माइनस टी तो ई अपने को इलैक्ट्रिक फील्ड किन्नी स्पेस दे अबाउट लग रहा है टी टी थिकनैस से जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उत्थे पोटेंशियल डिफरेंस फिर कितना आ जाऊगा ई इंटू टी। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा की है इस तरह आपां कैलकुलेट कर लांगे। बाकी कैपेसिटेंस का फार्मूला आ क्यू ओवर वी जिन्ना आपां वी दी वैल्यू कैलकुलेट की आ ठीक है वो मैथमैटिकली आपां सॉल्व कर लेनी उहदे विच इलैक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रैशन आना डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट वाला कंसैप्ट जिहड़ा लगना है वो दो कंसैप्ट लगा के आपां पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना ते पोटेंशियल डिफरेंस जिहड़ा की आ उन्हों आपां सबस्टीट्यूट कर देना कैपेसिटेंस वाले एक्सप्रैशन दे विच ते कैपेसिटेंस दी वैल्यू जिहड़ी फाइंड आउट कर लेनी। ठीक है स्टूडेंट्स, उत्थों आपां नूं पता लग जांदा कि डायलैक्ट्रिक जिहड़ा अपने को मीडियम कोई होवे प्लेट्स दे विचकार ते फिर उस कैपेसिटर दी कैपेसिटेंस एज कंपेयर टू जिहड़ा जदों कोई अपने को विच डायलैक्ट्रिक स्लैब आपां नहीं रखदे उहदे कंपैरेटिवली कैपेसिटेंस इस डायलैक्ट्रिक स्लैब वाले दी ज़्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट, समय लग गई। सो थैंक यू वेरी मच।